हेलो एवरीवन, बहुत सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं एंड आई नो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइम होता है। अभी बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होते हैं इन फॉर्म्स को भरने में। अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 2000 से नीचे का कोई फॉर्म नहीं होता है। आई नो पैसे खर्च होते हैं इसमें। मेरे लिए भी ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था कि मैं किस कॉलेज के लिए अप्लाई करूँ, किस कॉलेज के लिए नहीं अप्लाई करूँ। बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो होते हैं ना, उसका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट कैट एग्जाम से पहले ही खत्म हो जाता है। सो आपको ग्लिम्स ऑफ आइडिया भी नहीं होता कि आपके नंबर कितने आने वाले हैं। एंड आपको अपने जस्ट गट फीलिंग पे आपको अपना पूरा डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन से कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे और किस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल नहीं करना। अगर आपके साथ ऐसा है कि आपको इस साल MBA करना ही करना है, मतलब आप वेट नहीं कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। बिकॉज मेरे साथ ऐसा था कि मुझे एट एनी कॉस्ट दिस ईयर आई हैव टू गो फॉर MBA। सो अगर ये चीज आपके साथ भी है, अगर नहीं है ऐसा, तब तो फिर आप अगले साल के लिए भी वेट कर सकते हो। फिर आप सेलेक्टेड कॉलेज, जो आपके ड्रीम कॉलेजेस है, आप उसके ही फॉर्म भरो। सो मैंने स्ट्रैटेजी क्या लगाई थी अपने टाइम पे कि मैंने अपने जितने भी मैंने मॉक्स दिए थे उसका ऑन एन एवरेज मैंने एक नंबर निकाला, मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, मेरे कितने परसेंटाइल आ रहे हैं। सो मेरे जो परसेंटाइल थे वो 98 आ रहे थे। सो मैंने वर्स्ट सिचुएशन ले लिया, 85 से कम तो मेरा नहीं आएगा। सो 85 टू 90 के रेंज में से मैंने दो कॉलेजेस सेलेक्ट किए, उन दो कॉलेजेस के फॉर्म भरे। 90 टू 95 के बीच में जितने कॉलेजेस थे उसमें से मैंने चार कॉलेजेस सेलेक्ट किए कि इन चारों के मैं फॉर्म भरूंगी। उसके बाद 95 टू 100 परसेंटाइल के बीच में जितने कॉलेजेस थे मैंने सारे के सारे भर दिए थे, इररेस्पेक्टिव ऑफ मुझे वहां से कॉल आएगी या नहीं आएगी। बट आई डिडंट वॉन्टेड टू टेक अ चांस एंड मेरे दिमाग में ऐसा था कि 85 तो मैं ले ही आऊंगी बिकॉज इतनी प्रैक्टिस तो की है मैंने। सो मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज की थी। आप भी चाहो तो ये स्ट्रैटेजी अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे लगा सकते हो। हमेशा हम जितने परसेंटाइल आ रहे हैं उसमें से -15 परसेंटाइल के लेवल के दो कॉलेजेस तो सेलेक्ट करके रखना इफ यू हैव डिसाइडेड कि दिस ईयर आपको MBA करने जाना ही जाना है। सो इन सारी चीजों को ध्यान रखना। गुड लक, keep preparing and keep rocking, guys.